नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मेघालय के राज्यपाल और समाजवादी चिंतक सत्यपाल मलिक एक बार फिर नाराज हैं। किससे उनकी नाराजगी है ये हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उनके नाराजगी पर चर्चा करने से पहले कुछ सवाल हैं जो मौजू हैं और शायद इन सवालों का उठाया जाना अब बेहद ज़रूरी है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यपाल की भूमिका, वो भी पूर्वोत्तर के एक प्रमुख राज्य में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए, सत्यपाल मलिक को पिछले एक महीने में दो बार कुछ ऐसे बयान देने पड़े जिससे लगता यही है कि अभी उनको अपनी राजनीतिक पारी को कुछ लंबा करने की ज़रूरत है। लेकिन एक विडंबना है कि वो मोदी सरकार के नेतृत्व में का निर्वहन कर रहे हैं और राज्यपाल अपने पद पर कब तक और किस स्थिति में सुचारू रूप से अपने काम को आगे बढ़ा सकता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राज्यपाल हमेशा केंद्र का प्रतिनिधि होता है। और व्यवहारिक तौर पर अगर माना जाए तो केंद्र के प्रसाद पर्यंत तक, अर्थात जब तक केंद्र चाहे तब तक कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर रहता है। जम्मू कश्मीर के भी राज्यपाल रहे हैं सत्यपाल मलिक, और वहां पर भी उन्होंने अपनी भूमिका का, अपने पद का निर्वहन किया। और उसके बाद जब वो पूर्वोत्तर के मेघालय में पहुंचे तो राज्यपाल की भूमिका के अतिरिक्त उनको कई बार ऐसे कुछ बयान देने पड़े जो शायद उनके राजनीतिक शैली या राजनीतिक विचारधारा में जो आदत या फितरत कहते हैं उसमें वो शुमार है उस तरह का वक्तव्य देना। सबसे पहले हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक पद पर बैठे हुए उसके बयानों पर सवाल उठाने का अनर्गल कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम सवाल उठा रहे हैं जो सवाल उठाया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जब हमने आपसे चर्चा की शुरुआत की कि सत्यपाल मलिक नाराज है, नाराज क्यों है? क्योंकि पिछले कुछ समय के दौरान जब किसान आंदोलन इस देश में एक बड़ी समस्या के रूप में प्रभावी रूप से पूरे देश में एक तरह से आप कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा था, तब भी सत्यपाल मलिक ने कृषक कानूनों के संदर्भ में बयान दिया था और कृषि कानूनों को तत्काल वापस लिए जाने की ज़रूरत बताई थी, क्योंकि उनके मुताबिक केंद्र कृषि और कृषकों से खिलवाड़ कर रही है। बड़ा सवाल है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए और एनडीए सरकार की तरफ से राज्यपाल बनाए जाने के बाद जब उनको केंद्र की इन नीतियों में इतनी खामियां नजर आती हैं तो वो पद पर क्यों बने रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब उन्हें देना चाहिए, और अगर नहीं देते हैं तो फिर बात दो तरफा हो जाएगी। एक तरफ आप प्रसाद पर्यंत केंद्र के चाहने भर तक राज्यपाल भी बने रहे और केंद्र की नीतियों का भी विरोध करते रहे। हमारा इरादा ये भी नहीं कि आप केंद्र में रहकर या संवैधानिक पद पर रहकर किसी भी नीति का विरोध न करें। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसमें सुझावों की दरकार होती है और कुछ ऐसी चर्चा जो पब्लिक में या मीडिया के सामने नहीं करनी चाहिए, शायद संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों से ये अपेक्षा की जाती है। लेकिन सत्यपाल मलिक बार बार ऐसे बयान देते रहे हैं जबकि मोदी सरकार की तरफ से या उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सत्यपाल मलिक के बयानों पर न तो ज़्यादा संज्ञान लिया जाता है और न उस पर कोई आलोचनात्मक टिप्पणी की जाती है। वो जब मन चाहे अपनी बात रखें, बोलें, और अगर उसका कोई असर होता है तो वो असर भी दिखाई पड़े। ये हो सकता है कि केंद्र सरकार की ये रणनीति हो कि पार्टी से जुड़े रहने के बावजूद, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, हम आपको ये भी स्पष्ट कर दें, लेकिन राज्यपाल की भूमिका अगर वो निर्वहन कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि केंद्र से उनके संबंध कुछ ना कुछ हद तक
बेहतर रहे होंगे, इसलिए उनको राज्यपाल बनाया गया। और महत्वपूर्ण राज्यों का राज्यपाल, और उस स्थिति में जबकि एक अनुभवी व्यक्ति के राज्यपाल बनाए जाने की दरकार थी, तब वहां पर सत्यपाल मलिक को भेजा गया। प्रधानमंत्री के नीतियों के, अर्थात केंद्र की नीतियों के घोर आलोचक सत्यपाल मलिक को आज तक राज्यपाल पद से न तो हटाए जाने की चर्चा हुई और न ऐसा सरकार की तरफ से कोई इरादा जाहिर किया गया। इसके पीछे भी क्या कारण है, वो रणनीति जिसमें सरकार की तरफ से ये दिखाने की कोशिश रहती है कि उनके साथ जुड़े रहने के बावजूद भी लोकतांत्रिक तरीके से कोई सरकार की खामियां और गलतियां भी गिनाए, सरकार उससे गुरेज नहीं करती, उससे परहेज नहीं करती और उसे स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया जाता है। अगर वो स्वस्थ आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में किया गया है तो, जबकि सत्यपाल मलिक किसान आंदोलन के बाद इन दिनों सैनिकों के लिए जो प्लान आया है अग्निपथ और अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर तैयार होंगे, उसको लेकर न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने प्रवास के दौरान उन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया था, बल्कि हरियाणा के पानीपत में भी पहुंचकर उन्होंने यही कहा कि ये अग्निपथ योजना बिल्कुल बेकार योजना है और इससे अग्निपथ से जुड़ने वाले यूथ बर्बादी की ओर जाएंगे, क्योंकि 4 साल के कार्यकाल में वो 6 महीने छुट्टी पर रहेंगे, बाकी समय पर वो क्या सेना के लिए काम करेंगे, क्या अपने लिए सोचेंगे और क्या उससे देश का भला होगा। इससे ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि आर्मी अर्थात सेना की ताकत और उसकी क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा, सेना की मारक क्षमता, उसका प्रोफेशनलिज्म, उस पर बहुत बड़ी चोट आएगी। ये सत्यपाल मलिक तब कह रहे हैं जब इस योजना पर पूरे देश में विरोध हुआ, उस पर चर्चाएं हुई, उस पर तमाम तरह की छूट दी गई राज्य सरकारों की तरफ से, केंद्र सरकारों की तरफ से, उसके बाद उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया और अब अग्निपथ योजना के तहत भर्ती योजना का काम भी शुरू कर दिया गया। फिर सत्यपाल मलिक को अग्निपथ योजना पर बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कुछ कहा था उन्होंने पानीपत के पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने एक प्रवास के दौरान अग्निपथ योजना पर? हम पहले उसको आपको सुनाते हैं और फिर हम बताएंगे कि पानीपत में उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, इसमें अगर स्पीकर को समझदारी होगी तो रवि राय जी की एक रूलिंग है 1991 की, जब बीपी सिंह से ये अलग हुए थे लोग, तो रवि राय जी की रूलिंग ये है कि डिफेक्शन जो है या डिवीज़न, वो एक बार होता है, किश्तों में नहीं होता। तो पहली किश्त में जो लोग निकले हैं वो अगर 2/3 थे तो ठीक है, वरना उनको वो डिस्क्वालीफाई कर देगा। फिर जो आएंगे सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये अगर डिप्टी स्पीकर को समझदारी होगी तो। जिस तरह से लगातार राजनीतिक नंबर का खेल सर, वोट की गिनती का पहले का राजनीति मिला गई है जी। सर हम राजनीति चाहते हैं संवैधानिक ढंग से, वोट की करवट बैठेगा संवैधानिक ढंग से। मैं तो बता दिया आपको, संवैधानिक ढंग से ही तो बताया, अगर वो ठीक से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर डिप्टी स्पीकर को समझदारी होगी तो, रवि राय की रूलिंग के बेसिस पे। जिस तरह से नंबर का खेल हो गया, क्या राजनीति के अंदर कोई नैतिकता भी बची है क्या? आप क्यों ढूंढते हो ऐसी चीज जो बची नहीं है? अच्छा, केंद्र सरकार पहले कृषि कानून लाई, केंद्र सरकार पहले कृषि कानून लाई, आपने विरोध किया, इसका भी कल विरोध किया अग्निपथ का। हाँ, कल किया मैंने। अग्निपथ का किस तरीके से विरोध करते हैं? अग्निपथ जो है वो हमारी फौजियों को डिमीन करेगा, हमारे जवानों को डिमीन करेगा, उनका करियर ख़त्म कर देगा। वो 4 साल में 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, 6 महीने वो छुट्टी पे रहेंगे, 3 साल वो सिर्फ नौकरी करेंगे और फिर कहाँ जाएंगे? उनके तो ब्याह भी नहीं होने के, तो ये उनमें कैसे जज्बा होगा देश के लिए मरने का? ये बहुत गलत किया है, इस पर जल्दी से वापस लेना चाहिए। 25% में शामिल होने की बात करें सरकार की, 25% में शामिल, सरकार ऐसे झूठ दिन में 50 बोलती है। सरकार ने तो ये भी कहा था जब कृषि कानून वापस किए थे कि हम इसको MSP की कमेटी बनाएंगे, आज तक तो बनी नहीं है।
और इस पे आश्वासन कौन दे रहा है? हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, जिसकी वापसी नहीं होने की, जिसे दोबारा नहीं बनना वो आश्वासन दे रहा है, ऐसे ही मध्य प्रदेश वाला दे रहा है जिसे वापस नहीं होना, तो इनका कोई मतलब नहीं। अभी बागपत के हैं, मैं एक दो बातें इसमें ऐड करना चाहता हूँ। एक तो ये कि इसमें जो इन्होंने फौज के जनरल्स को डिस्कशन में बैठा दिया वो गलत था। इस देश में वर्दी की अभी बहुत इज्जत है, फौज के जनरल्स को किसी कंट्रोवर्शियल डिबेट में नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि लोग उनकी इज्जत करते हैं, और उनको ज़बरदस्ती बिठा दिया कि आप कहो ये काम ठीक हो रहा है, एक तो वो नहीं करना चाहिए, दूसरे ये जो किया है ये नहीं करना चाहिए। तो सुना आपने, एंटी डिफेक्शन लॉ से लेकर अग्निपथ योजना से लेकर उन तमाम मुद्दों पर, कृषि कानूनों पर भी सत्यपाल मलिक की जो टिप्पणी थी वो किसी पार्टी के नेता या अध्यक्ष पद की भूमिका का निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस संवाददाता सम्मेलन में ये उन्होंने कहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने प्रवास के दौरान, और जब वो पानीपत पहुंचे हरियाणा, उस हरियाणा का जिक्र जिसमें वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को दोबारा आना ही नहीं, वो सारी योजनाएं आगे बढ़ा रहे हैं। अब आप सोचिए, एक राज्यपाल को इस तरीके से राजनीतिक बयान देना क्यों पड़ रहा है? अगर ये बात समझ में आए और मोदी सरकार बराबर ऐसी टिप्पणियां अगर उनकी तरफ से की जा रही हैं, तो सत्यपाल मलिक के खिलाफ किसी भी नेता या प्रवक्ता की हिम्मत क्यों नहीं पड़ती कि वो टिप्पणी करे, या सत्यपाल मलिक को उनके पद से हटा दिया जाए? हमने आपसे चर्चा की शुरुआत में की थी कि हम कारण बताएंगे। सबसे पहले हम ये बता दें कि हरियाणा प्रवास के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने ये कहा कि 4 साल की योजना में 6 महीने ट्रेनिंग और 6 महीने छुट्टी, और 3 साल के उस कार्यकाल में कोई जवान कैसे जज्बा दिखाएगा सीमा पर देश के लिए मरने की। बड़ा सवाल है कि 4 साल या 4 दिन या 4 घंटे भी जज्बा हो अगर देश के लिए, तो मर मिटने के लिए कोई तैयार हो सकता है अगर उसके खून में रवानी है। शायद सत्यपाल मलिक ये बात भूल गए, जिस समाजवादी विचारधारा से वो ओतप्रोत हैं उसमें सामाजिक मूल्यों का और समाजवाद का क्या थॉट प्रोसेस है उसे सहज समझा जा सकता है। वो एक इंटेलेक्चुअल हैं, वैचारिकी में उनके चिंतन परंपरा या उनकी सोच को कभी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन समाजवादी चिंतक होने के साथ साथ अगर वो स्वाभिमान के तौर पर कुछ मूल्यों और कुछ मुद्दों को समझते हैं कि वो देश के लिए गलत है, तो अब सिर्फ 3 महीने राज्यपाल का कार्यकाल खत्म होने में रह गया है, उनको आज तक अपने पद पर बने रहने की क्या जरूरत थी, इस सवाल का जवाब शायद वो नहीं दे पाएंगे। और अगर वो देते हैं तो सिर्फ अपनी बात को साबित करने के लिए उसका मंडन करना होगा। जब केंद्र की हर एक नीति उन्हें गैर वाजिब लगती है, वो गलत है, तो ऐसे में वो राज्यपाल के पद की भूमिका का निर्वहन करते हुए राज्यपाल को मिले सुविधाओं का उपभोग क्यों कर रहे हैं, ये सवाल बहुत ही जरूरी है और ये पूछा जाना चाहिए। और हद तो तब हो गई जब वो हरियाणा में पहुंचे और बयान दिया कि अब मेरे रिटायरमेंट के 3 महीने, 2 से 3 महीने रह गए, आगे मैं कोई न राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करूंगा, न कोई राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा, न राजनीति करने की इच्छा है, लेकिन समाज और किसान और सेना से जुड़े मुद्दों को उठाता रहूंगा। मतलब अब किंग मेकर बनने की स्थिति आ गई है उनकी, और ये उनकी ललक और चाहत दिखाती है कि वो चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, किसी पार्टी को तो ज्वाइन नहीं करेंगे, और आगे कोई पद अभी फिलहाल मिलना नहीं, ऐसे में वो समाजवादी चिंतक के तौर पर केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के बाल की खाल उधेड़े, और लोकतंत्र में वाजिब है, करना भी चाहिए, लेकिन बिना किसी मंच पर अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता या एक समाज सेवक की भूमिका में रहते हैं तो कोई ऐसा संगठन पूरे देश में उनको बनाना चाहिए, और फिर उसके माध्यम से सरकारों की गलत नीतियों का पुरजोर विरोध करने के लिए आगे आना चाहिए,
ऐसा एक सुझाव है, एक नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते हम सब की अपेक्षा है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। लेकिन फिर वही विरोधाभासी बयान कि ना मैं कोई पार्टी बनाऊंगा, ना कोई संगठन, मैं समाज से जुड़ा रहूंगा और समाज के लोगों के बारे में बोलता रहूंगा। अर्थात समाजवादी चिंतक होने के कारण उनकी सोच जिस तरह से धारदार है, बेहतर है, अगर वो उसको दिशा भी नहीं देना चाहते हैं तो शायद ये उनका भटकाव है। और राष्ट्र के लिए अगर कोई जरूरी है, चाहे वो आलोचक ही क्यों ना हो, उसकी विचारधारा या उसकी धाराएं या उसकी सोच अगर भटकती है तो उसके अनुभव का सम्मान करते हुए हमारा कर्तव्य है कि हमें याद दिलाना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं बल्कि ऐसा करना चाहिए। स्वतंत्र चिंतक होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी संगठन से नहीं जुड़ेंगे, कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, सरकार में शामिल नहीं होंगे, विपक्ष की भूमिका नहीं अदा करेंगे, तो फिर आप वो बयान क्यों दे रहे हैं जिस बयान से या जिन बयानों से कम समरसता नहीं बल्कि मुश्किलें पैदा होती हैं। और उस स्थिति में जब आप चिंतक होने के साथ साथ संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, अभी उनके रिटायरमेंट की जैसा कि वो कह रहे हैं 2 से 3 महीने का समय है, फिर हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही उन क्षेत्रों में जहां उनके विचारधारा और उनके बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, वहीं पर वो जाते हैं और इस तरह का बयान देते हैं। और इस तरह के बयान देने के बाद जब वे साबित करते हैं कि वो स्वतंत्र चिंतक हैं, कहीं पदों से नहीं लिपटते या चिपटते, तो फिर सवाल यह है कि इतने वर्षों तक वो राज्यपाल की भूमिका अदा करते हुए, जिसमें केंद्र से बेहतर सहयोग और समन्वय बनाना ही पड़ता है, साथ ही राज्य सरकार जहां पे वो राज्यपाल हैं उस सरकार से भी उनको समन्वय और सामंजस्य बनाना पड़ता है, उस पर नजर रखनी पड़ती है, वो भूमिका अदा करने की बजाय उन राजनीतिक मुद्दों पर बयान देना जिसमें या तो वो विपक्ष की किसी पार्टी के नेता हो या किसी संगठन के प्रभावी नेता हो, वो ऐसा बयान दे तो वो बेहतर होता है। पद पर रहते हुए, पद का उपभोग करते हुए, उसकी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अगर सत्यपाल मलिक ये बयान दे रहे हैं तो इसके मायने समझना चाहिए कि कहीं न कहीं वैचारिकी में, विचार मंथन में, जिस मंथन और जिस धारा के तहत वो बयान देते हैं वहां विरोधाभासी सोच है, विरोधाभासी कॉन्सेप्ट है, जिस पर शायद वो जानबूझ करके, जहां वो समझते हैं कि ये सवाल उठाए जाएंगे, वो इस तरीके के बयान देते हैं जो शायद उन्हें नहीं देना चाहिए। एक नागरिक होने के नाते ये हर एक भारतीय का सवाल होगा। अब सवाल है कि अगर सत्यपाल मलिक इस तरह के बयान देते हैं तो केंद्र या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या प्रवक्ता उनके खिलाफ उनके द्वारा दिए गए बयानों पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं करता? ये स्पष्ट निर्देश और आदेश है, क्योंकि उनको विशेष व्यवस्था के तहत जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया था और वहां पर भी उन्होंने अपनी भूमिका अदा की थी। जब भी वो जिस तरीके की सपाट बयानी करते हैं या स्वतंत्र विचारधारा और एक मंथन के तहत किसी भी मुद्दे पर बोलते हैं तो उनकी बात का सम्मान किया जाता है। और इस सम्मान के मायने ये नहीं कि आप अपने आप को दिखाने के लिए हर एक व्यवस्था से ऊपर आकर के कोई बात बोले जो विरोधाभासी प्रतीत हो। व्यवहारिक तौर पर आपको राज्यपाल का पद अब तो कम से कम छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये आपके स्वविवेक पर निर्भर है कि ये देश या यहां पर रहने वाले लोग ये जानते हैं कि कुछ ऐसे संवैधानिक पद होते हैं जिस पर अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए, और ऐसे में अग्निपथ योजना या किसानों के संबंध में कोई समस्या है या उन कानूनों के संदर्भ में आप अपनी राय रख सकते हैं अगर वो विरोधाभासी हैं और अगर वो आलोचनात्मक हैं तो भी। लेकिन इसका क्या मतलब आप ये टिप्पणी करें कि किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री रहेगा, दोबारा आएगा जीतकर या नहीं आएगा? ये टिप्पणी करना, या तो आप पत्रकारिता पर में आ जाएं या आप एक चिंतक, स्वतंत्र चिंतक के तौर पर करें, लेकिन उसके लिए पद छोड़ना पड़ेगा। पद पर बने रहते हुए
अपने पद पर बने रहने की गरिमा को स्थापित करते हुए अगर सत्यपाल मलिक हर एक मौके पर, हर एक मुद्दे पर, सार्वजनिक मंच पर राज्यपाल के को मिले हुए सुख और सुविधाओं का भोग करते हुए देश के ज्वलंत मुद्दों पर अगर अपनी राय रखते हैं, वो भी एक किसी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता की हैसियत की तरह, तो उस पर सवाल उठाए जाएंगे और अगर वो सवाल उठते हैं तो उसका जवाब देना चाहिए, अन्यथा ये माना जाएगा कि समाजवादी चिंतक होते हुए भी उनकी सोच में कहीं ना कहीं दो तरफा फायदा लेने की है, और अगर वह ऐसा सार्वजनिक जीवन में करते हैं तो फिर वो सम्मान, जिस सम्मान के वो हकदार हैं और जो सम्मान इस देश का नागरिक उन्हें देता आ रहा है एक नेता की हैसियत से, एक चिंतक की हैसियत से, उस पर भी सवाल उठने शुरू होंगे और ये सवाल मीडिया में भी और तमाम संपादकीय विचारधाराओं के तहत जो कोई विचार व्यक्त किए जाते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। इसलिए एक बार फिर कि अगर पद पर बने रहते हुए आपको आलोचनात्मक दृष्टिकोण रख करके ही अपने आप के व्यक्तित्व को अलग दिखाने की कोई चाहत है तो यह माना जाएगा कि आपकी महत्वाकांक्षा अपने आप को एक मुखर, प्रखर और आलोचक नेता बनाने की है, जिसमें चाहत यह है कि आगे आने वाले समय में राजनीति में कुछ और मुकाम हासिल किया जाए। फिर कैसे यह माना जाए कि सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं कि वो राज्यपाल पद से हटने के बाद न तो कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, न किसी सरकार का हिस्सा होंगे, न कोई संगठन बनाएंगे, लेकिन समाज के बारे में सोचेंगे और साथ ही साथ सेना के मुद्दे पर, कृषि कानूनों के संदर्भ में, कृषकों के मुद्दे पर वो सरकार को घेरते रहेंगे। जवाब तो ये भी होना चाहिए या सवाल ये भी होना चाहिए कि सत्यपाल मलिक जैसे अनुभवी नेता या विचारक या चिंतक जो जमीनी स्तर पर समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए लोगों से जुड़ करके देश की समस्याओं को सामने रखते रहे, अब बारी है कि अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए या उस अनुभव के जरिए वो इस देश में जो समस्याएं उठ रही हैं अगर उसकी आलोचना करें तो उसका समाधान भी देने की कोशिश करें, न सिर्फ यह कहकर कि इस बिल को सरकार को वापस लेना चाहिए, इस कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए या इस योजना को वापस ले लेना चाहिए, बल्कि उसमें सुधार की जितनी गुंजाइश है उसके बारे में प्रकाश डालना चाहिए और अपनी आवाज़ उस संदर्भ में मुखर करना चाहिए। शायद सत्यपाल मलिक जैसे विचारक और बुद्धिजीवी, साथ ही साथ वरिष्ठतम समाजवादी चिंतक के लिए ये एक बेहतर रास्ता हो सकता है जिसके माध्यम से देश को ज़्यादा फायदा हो सकता है। एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।